हेलो जी, तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? तो आज बन रहे हैं जी क्रेप्स। क्रेप बेसिकली क्या होते हैं? ये एक तरह के पैनकेक्स होते हैं जो कि 13वीं सदी के अंदर फ्रांस के अंदर बनाए गए थे और नाउ इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्रेप स्वीट भी होते हैं, इसके अलावा सैवरी भी होते हैं। अब आपकी चॉइस है कि आप कैसे क्रेप बनाना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले हम लोग जो है वो एक मिक्सर लेंगे और मिक्सचर के अंदर मैं डालूँगी 1 कप। अब लार्ज वाला जो है ना भर के डाल लें, जितने आपको क्रेप्स बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे मैं 4 to 5 क्रेप्स बनाऊँगी तो उसके लिए इतना बैटर काफ़ी है। अब इसके अंदर जो है वो आप लोगों ने नमक और चीनी हसबे जायका वैसे डालते होते हैं। यहाँ पर मैं सैवरी क्रेप्स बनाने लगी हूँ, यानी कि थोड़ी सी नमकीन होंगी, थोड़ा नमकीन इसमें आएगा, थोड़ा इसमें मीठापन आएगा। लेकिन इसके अंदर हम तंदूरी चिकन या फिर कोई भी ऐसा मसाला भर सकते हैं जो कि थोड़ा नमकीन वाला हो, तो ये उसके लिए है। इसके लिए जो है वो 2 अंडे ले लेने हैं, बस चिकन के अंडे ले लें। मैं यहाँ पे कहने लगी थी मीडियम साइज़ अंडे, हालांकि अंडों का एक ही साइज़ होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एग्स ले लिए, क्रेप्स ले लिए, क्रेप्स बनाने के लिए एग्स ले लिया, मैदा ले लिया, नमक ले लिया और चीनी ले लिया, एंड दैट्स इट। इसको अब हमने जो है ना वो ग्राइंड करना है, बेसिकली मिक्स करना है इसको हमने। आप ग्राइंडर अगर आपके पास है तो उसके अंदर कर लें, ब्लेंडिंग वाली अगर आपके पास मशीन है तो आप उसमें कर लें। तो ये बेसिकली दोनों से बन जाता है। हाथ से कुछ लोग बना लेते हैं लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि लम्स इसके अंदर कोई नहीं रहनी चाहिए। और साथ साथ मैं सीख रही थी और साथ साथ बना रही थी। अब आपने मिल्क डालना है, थोड़ा जो है ना मिल्क, एक इसमें बेसिकली जाता है 1 फुल कप मिल्क जाएगा, लेकिन आपने मिल्क डालने जी थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, ताकि आपको कंसिस्टेंसी पता चलती जाए और आपके जो है वो बैटर के अंदर कोई भी लम्स ना रहे, क्योंकि अगर लम्स फ्री होगा तो ये अच्छा बनेगा, अदरवाइज़ ये बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। अब मैंने थोड़ा सा इसको ग्राइंड करने के बाद, सॉरी ब्लेंड करने के बाद, मैंने अब इसके अंदर डालना है ऑयल। ऑयल 2 स्पून जो है ना बड़े वाले चम्मच टेबल, वो मैं भर के इसके अंदर डालूंगी और साथ इसको जो है वो ब्लेंड करूंगी ताकि ऑयल जो है ना वो टोटली इसके अंदर हो जाए। वैसे 3 हो गए और मुझे लग रहा था मैंने 2 डाले हैं, वैसे 2 से भी गुजारा हो जाता है लेकिन 3 इज़ गुड। सो यहाँ तक जो है वो क्रेप्स का बैटर टोटली बन के तैयार हो चुका है। द डिफरेंस बिटवीन क्रेप्स एंड पैनकेक इज़ दैट कि जो क्रेप्स होते हैं वो फ्लफ़ी नहीं होते, जबकि जो पैनकेक्स होते हैं वो फ्लफ़ी हो जाए। बस बैटर को आप लोगों ने रख देना है कुछ टाइम के लिए, जहाँ पर मैंने बैटर बना के हाफ आवर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दिया था। अब मैं बैटर को जो है वो पैनकेक्स की शक्ल दूंगी, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही, तो कसर से मुझे बनाने नहीं आ रहे थे और मैं ना बस इनकी बड़ी गंदी शक्ल बना रही थी। पैन के जो मेरे क्रेप्स होंगे वो मेरे ऊपर हंस रहे होंगे कि जो मैंने उनका हाल किया। आपने पैन को ना घुमाना है, बेसिकली उसको राउंड राउंड करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर बैटर डालते हैं, अपना पैन जो है वो सर्कुलर करना शुरू हो जाए, ताकि पैन जो है वो ना हमारा बैटर वो पूरे एक रोटी की शक्ल आ जाए। अगर आप नहीं इसको करेंगे तो वो हाल होगा जो अभी मेरे जो है वो क्रेप्स का हाल हो रहा है। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए ज़रा काइंडली अच्छा काम कीजिएगा। अब इसको हमने करना है फ्लिप। फ्लिप करने के लिए पहले इसको थोड़ा अपनी तरफ लेके आए पैन को, देन उछालें इसको और अगर अच्छा ना बने तो फिर मेरी तरह आप चम्मच इस्तेमाल करें। ये मेरा वैसे अच्छा बन गया था लेकिन साथ साथ मैं चम्मच भी इस्तेमाल कर रही थी। तो ये जी मेरा एक और क्रेप आ गए, और इस तरह कर करके आपने क्रेप्स बनाने। और ये मेरा हेयर वाला क्रेप्स था जिनके हेयर्स निकल आते हैं ये वैसा क्रेप था। और जी ये मेरा 3rd क्रेप था, ये भी बन चुका है। अब मैंने बनाया 4th क्रेप जो कि मेरा सबसे लार्ज वाला था, लेकिन इसकी शेप सबसे फाइन थी, क्योंकि आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे आपके क्रेप्स उतने अच्छे बनते जाएंगे। देखें, सबसे पहले वाला बहुत छोटू सा था, उसके बाद थोड़ा बड़ा बना, फिर बड़ा बना और एंड पे तो एंड ही हो गई, वो सबसे ही बड़ा बन गया था। तो ये बेसिकली थी क्रेप्स की रेसिपी। फिलिंग आप अपने हिसाब से इसके अंदर कर सकते हैं। कुछ लोग इसके अंदर तंदूरी चिकन डालते हैं, कुछ लोग जो है वो इसके अंदर वेजिटेरियन कोई भी जो है वो चीज़ डालते हैं। सो इट्स अप टू यू आप कैसे बनाते हैं। सो दिस इज़ द रेसिपी ऑफ द डे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब ताकि मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो आपको मिले, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।